अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ डेटा ट्रांसमिशन। बेसिकली दो टाइप्स में है, पैरेलल एंड सीरियल। सीरियल जो है वो आगे क्लासिफाइड है सिंक्रोनस एंड एसिंक्रोनस में। सबसे पहले हम देखते हैं कि पैरेलल डेटा ट्रांसमिशन कैसे होती है। पैरेलल ट्रांसमिशन में हमारे पास ग्रुप ऑफ बिट्स होती है जो कि सेम टाइम में मल्टीपल वायर्स के ऊपर सेंड की जाती है। डाटा जो है वो यूनिडायरेक्शनली फ्लो करता है और हर बिट जो है वो सेपरेट लाइन के ऊपर ऑपरेट करती है। जैसा कि हम एग्जांपल ले लें कि इंटरनेट जो है वो डाटा को कैसे ट्रांसफर करता है कंप्यूटर के अंदर, यहाँ पे कंप्यूटर और प्रिंटर के दरमियान जो ट्रांसमिशन होती है। इसका एडवांटेज ये है कि ये स्पीडी वे है, पैरेलल डाटा ट्रांसमिशन जो है स्पीडी वे है डाटा ट्रांसफर करने का, लेकिन इसमें नंबर ऑफ वायर्स यूज होती है, इस वजह से ये कॉस्टली है। You can see this in the figure here. Sender है, receiver है और multiple lines जो है wires में वो use हो रही है और bit by bit जो है वो इसमें data send हो रहा है simultaneously. That's not the case in serial transmission. Serial में क्या है, आपका one bit जो है वो एक time में send होता है, ठीक है। Parallel में तो हमने देखा है कि हमारे पास multiple wires हैं, लेकिन सीरियल में ये नहीं होता, इसमें बिट बाय बिट जो है वो सेंड होता है। डाटा सीक्वेंस में अरेंज कर दिया जाता है और हर जो सीक्वेंस में जो पहली बिट आती है वो पास आउट होती है। ये प्रोसेस इसी वजह से थोड़ा स्लो है और इसमें हमारे पास ओवरऑल कम्युनिकेशन कॉस्ट जो है वो स्लो कम होती है, क्योंकि हमारी ट्रांसमिटिंग मीडिया जो है वो सिंपल एक वायर होती है, उसी के ऊपर पूरा डाटा जो है वो सीक्वेंशियली अरेंज होता है। और इसकी हम फिगर अगर देखें, सेंडर है, रिसीवर है और ये डाटा सारा जो है ये बिट्स की फॉर्म में अरेंज है, यूनिडायरेक्शनल इसका फ्लो है और ये एक एक बिट करके सेंड होता रहता है। अब हम देखते हैं सीरियल डाटा ट्रांसमिशन की टाइप, सिंक्रोनस एंड एसिंक्रोनस। एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन जो है उसमें क्या होता है, डाटा ट्रांसमिट होता है करेक्टर बाय करेक्टर, ठीक है, और इसमें हमारे पास करेक्टर्स के अंदर इररेगुलर गैप्स होते हैं। इसमें एक स्पेशल स्टार्ट सिग्नल होता है जो कि ये बताता है कि डाटा जो है या कोई भी मैसेज जो है वो सेंड हो रहा है या होने वाला है, और इसमें जो है वो करेक्टर जो है वो सेंड कर देना। इसकी वैल्यू स्टार सिग्नल की जीरो होती है, जिसको स्पेस स्टेट भी बोलते हैं। जब इसकी वैल्यू जीरो होती है तो ये इंडिकेट करती है कि करेक्टर वो ट्रांसमिट होने वाला है और ये रिसीवर को अलर्ट कर देती है कि वो करेक्टर को या मैसेज को या डाटा को रिसीव करने के लिए रेडी हो जाए। और अगर इसकी वैल्यू वन है, इसका मतलब है कि ये आइडल है, अभी कोई भी फंक्शन का काम नहीं कर रहा, इसको हम मास्टर बोलते हैं। इसकी फिगर देखें, सेंडर से डाटा सेंड हो रहा है रिसीवर की तरफ करेक्टर बाय करेक्टर। ये डाटा जो है ये एक करेक्टर है, स्टार्ट जो है स्टार्ट सिग्नल स्टार्ट स्टेट जो है स्पेस स्टेट ये बता देती है, इसकी वैल्यू जीरो है इस टाइम और इसने रिसीवर को अलर्ट कर दिया है कि वो डाटा कैरी करके आ रहा है, ठीक है। और जब ये डाटा यहाँ पर रिसीव हो जाएगा तो ये स्टॉप हो जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट कैरेक्टर के लिए स्टार्ट स्टेट डाटा एंड स्टॉप स्टेट। अब देखते हैं हम सिंक्रोनस। सिंक्रोनस में क्या होता है कि जो डाटा हमने ऑलरेडी सेव किया होता है उसको हम ब्लॉक बाय ब्लॉक सेंड कर देते हैं। हर ब्लॉक में नंबर ऑफ करेक्टर्स होते हैं। यू कैन सी दिस इन दिस सेंडर रिसीवर डायरेक्शन ऑफ फ्लो, और ये डाटा जो है इसमें मल्टीपल करेक्टर्स जो है वो एक टाइम के अंदर सिंगल टाइम में हम ट्रांसमिट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि हमने ट्रांसमिशन पर काम करने के लिए मीडिया कैसा यूज करना है। मीडिया या तो हमारे पास गाइडेड होगा या अनगाइडेड। गाइडेड की हमारे पास तीन टाइप्स है, एक्रूस्टिक पेयर, कोएक्सियल एंड ऑप्टिकल फाइबर, और अनगाइडेड है रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स एंड इंफ्रारेड। सो गाइडेड मीडिया इज जो कि वायर्स के साथ परफॉर्म होता है, जिसको हम बाउंडेड मीडिया भी बोलते हैं। ये जो है ये वायर्ड सिस्टम होता है, केबल सिस्टम होता है, और ये उनके थ्रू जो है वो डाटा परफॉर्म करता है, डाटा सेंड करता है। इसकी एग्जांपल है कॉपर वायर, फाइबर ऑप्टिक एक्सेट्रा। सबसे पहले हम देखते हैं इसमें ट्विस्टेड पेयर। ट्विस्टेड पेयर क्या होती है, हमारे पास कॉपर इंसुलेटेड वायर होती है, जनरली दो होती है जिनको आपस में ट्विस्ट किया होता है, वाउंड होती है एक दूसरे के गेट, और इसमें सेवरल पेयर जो है वो बंडल किए जाते हैं एक प्रोटेक्टिव शीट के अंदर, और ये ट्रांसमिशन जो है मीडिया की वो परफॉर्म करते हैं। दो टाइप्स है इसकी आगे,
शिल्डी ट्विस्टेड पेयर एंड अनशिल्डी एसटीपी एंड यूटीपी। एसटीपी जो है वो क्या करती है, जिसमें स्पेशल जैकेट होती है जो कि एक्सटर्नल इंटरफेरेंस या हिंड्रेंस को ब्लॉक करती है, और ये फास्ट डेटा रेट जो है इसका होता है एथरनेट और वॉइसेस के लिए, ज्यादातर ये टेलीफोन लाइन्स में यूज होती है। इसकी परफॉर्मेंस अच्छी होती है, अगर इसमें कोई फॉल्ट आ जाए ये उसको रोकती है, इल्यूमिनेट कर देती है, और फास्टर वे है, लेकिन ये थोड़ा एक्सपेंसिव है और इसको मेंटेन करना भी, इंस्टॉल करके मेंटेन करना थोड़ा डिफिकल्ट है। अब अनशील्डेड देखते हैं, अनशील्डेड में हमारे पास क्या होता है, इसमें एबिलिटी होती है ब्लॉक करने की इंटरफेरेंसेस को, और ये कोई भी फिजिकल लिंक के ऊपर डिपेंड नहीं करता इस काम के लिए। ये टेलीफोन एप्लीकेशंस में यूज होता है, इसको इंस्टॉल करना इजी होता है, इसकी कैपेसिटी हाई होती है और ये लीस्ट एक्सपेंसिव होता है। लेकिन ये है कि इसको हम सिर्फ एक शॉर्ट रेंज के ऊपर जो है वो अप्लाई इंप्लीमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज फ्लेक्सिबल केबल। फ्लेक्सिबल केबल में जो आपके पास आउटर प्लास्टिक कवरिंग होती है, इसमें दो पैरेलल कंडक्टर्स हम यूज करते हैं जिसको हम सेपरेटली इंसुलेट किया होता है। फ्लेक्सिबल केबल जो है ये इंफॉर्मेशन को दो तरीकों से जो है वो सेंड करता है, या तो वो इंफॉर्मेशन बेस बैंड मोड में हो जिसमें हमने केबल की बैंडविड्थ जो है उसको स्पेसिफिक किया होता है, फिक्स किया होता है, या ब्रॉड बैंड मोड में होती है जिसमें हमने केबल की बैंडविड्थ जो है उसको रेंजेस के अंदर डिवाइड किया होता है। तो केबल टीवी या हमारे पास टेलीविजन नेटवर्क जो है वो फ्लेक्सिबल केबल के ऊपर ही ऑपरेट करती है, क्योंकि इनकी बैंडविड्थ जो है वो हाई होती है, इंस्टॉल और एक्सपेंड करना इजी है, और सिंगल केबल जो है अगर हम उसी के इसको पूरे नेटवर्क को जोड़ देते हैं तो उसकी फेलियर पूरे नेटवर्क को डाउन कर सकती है। फाइबर ऑप्टिक क्या करता है, इसमें हमारे पास रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का कॉन्सेप्ट यूज होता है, और ये इसका कोर जो है यानी आउटर जो है वो ग्लास और प्लास्टिक की बनी हुई होती है। इसमें ये होता है कि ट्रांसमिशन जो है लार्ज बल्क ऑफ डेटा जो है हम इसको ट्रांसमिट कर सकते हैं बहुत ज्यादा, और इसमें सिग्नल अटेंचुएशन जो है वो लेस होती है, रेजिस्टेंस ऑफ कोरेसिव मटेरियल भी होती है, इम्यूनिटी होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस की, लेकिन ये कि ये कॉस्टली होती है, फ्रेजाइल होती है, क्योंकि इसकी जो कवरिंग होती है ग्लास और प्लास्टिक की होती है, इसीलिए टूटने का खतरा होता है, और यूनिडायरेक्शनल होती है, और विल नीड अनदर फाइबर इफ वी नीड द बाईडायरेक्शनल कम्युनिकेशन। तो हमें दो फाइबर्स जो है उनको यूज करना पड़ेगा अगर हमें रिसीविंग भी चाहिए, अगर सेंड करना होगा तो सिर्फ एक फाइबर काफी है, लेकिन अगर रिसीव भी करना है तो हमें बाईडायरेक्शनल के लिए एक और फाइबर चाहिए होगी। अनगाइडेड मीडिया है वैसा मीडिया जिसमें हमारे पास वायर्स यूज ही नहीं होती, इनको हम अनबाउंडेड मीडिया भी कहते हैं, कोई फिजिकल मीडियम इसको रिक्वायर नहीं होता। इसकी एग्जाम्पल हमारे पास वायरलेस और हमारे पास रेडियो वेव्स या लेजर है। तीन तरह का अनगाइडेड मीडिया है, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड। रेडियो वेव्स जो है इनकी ये इजी होती है जनरेट करने में, पेनिट्रेट करने में बिल्डिंग्स के अंदर, और इसकी रेंज हमारे पास 3 किलोहर्ट्ज़ टू 1 गीगाहर्ट्ज़ होती है, और इसको हम टेरिस्ट्रियल या सैटेलाइट के अंदर कैटेगराइज करते हैं। माइक्रोवेव जो है वो साइड ट्रांसमिशन के लिए यूज होती है, यानी डाटा को जब हमने एंटीना के थ्रू सेंड या रिसीव करना हो तब हमें माइक्रोवेव की जरूरत पड़ती है। इसकी रेंज जो है वो 1 गीगाहर्ट्ज़ से 300 गीगाहर्ट्ज़ तक है, और ये मोबाइल फोन कम्युनिकेशन या परिवहन डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर मोस्टली अप्लाई होती है। और इंफ्रारेड जो है आर यूज फॉर वेरी शॉर्ट डिस्टेंस कम्युनिकेशन, एंड इट रेंजेस फ्रॉम 300 गीगाहर्ट्ज़ टू 400 टेराहर्ट्ज़, और ये हमारे पास टीवी रिमोट, वायरलेस माउस और कीबोर्ड, प्रिंटर एक्सेट्रा के लिए यूज होती है।